स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। बीजापुर में यस न्यूज और R1 न्यूज का इम्पैक्ट। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 24 बड़ी कमान के पास पिछले कई दिनों से आवारा कुत्तों द्वारा छोटे बच्चों पर हमला होने की कई घटनाएं घटी थी। इसी को लेकर हमारे यस न्यूज और R1 न्यूज की तरफ से लोगों के हित में एक न्यूज बनाकर दिखाई गई थी। इसी को लेकर महानगर पालिका एक्शन में आकर रोड पर घूम रहे आवारा कुत्तों को आज महानगर पालिका की ओर से टीम बनाकर कुत्तों को हिरासत में लिया गया। इसी के चलते हमारे माध्यम से वार्ड नंबर 24 के कई लोगों ने बात करते हुए यस न्यूज और R1 न्यूज का शुक्रिया अदा किया। हम हमारे यस न्यूज और R1 न्यूज की ओर से बीजापुर की जनता से ये विनती करते हैं कि आपके आसपास भी ऐसी कोई भी घटना हुई तो हमारे यस न्यूज और R1 न्यूज को संपर्क करें। धन्यवाद। काटे थे हमारे भतीजों को, तकरीबन 2:15 हो गए थे। हमारे चाची उन्होंने लेके आए थे बच्चों को दुकान को, जब वो कुत्ते आके दोनों बच्चों को लड़के भाग के चले गए। जब वो हमारे चाची जब उस वक्त देखे बराबर उन्होंने बेहोशी पड़ गए। वो कुत्तों को मारना किधर है, और ये औरतों का काम भी नहीं रहता, ये कुत्ते देखे तो भाग के चले जाते हैं। यहाँ फर्स्ट बात की पहली बात क्या है तो स्कूल के जाने के छोटे छोटे बच्चों का बहुत बड़ा मेन रास्ता है, ये शॉर्ट रास्ता होता है बोल के अंदर गली में से मोहल्ले में से चले जाते हैं। हर एक स्कूल के बच्चे जाते हैं, ट्यूशन को जाते हैं। तो ख़ास करके जो कल भी मैं मीडिया में बोला था, आज भी आ गए थे उन्होंने जो माध्यम से ये न्यूज़ के माध्यम से हो और एस एस न्यूज़ के माध्यम से हो, जब इतला दिए थे कल वो हिसाब से आ गए थे। तो और ज़रा इससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा कोशिश करके जितना हो सके उतना जल्दी और एक दो तीन मरतबा इधर म्यूनसिपाली की गाड़ी जो है तो ये कुत्ते कम हो सकते हैं, यहाँ से ज़रा डर खत्म खतरे से खाली हो जाता है। हाँ, ज़्यादा ये एफ एम न्यूज़ की तरफ से हो या एस एस न्यूज़ की तरफ से हो, ये दोनों न्यूज़ों की तरफ से ज़्यादा फोर्स पड़ा हुआ है, वो जरिए से ये ज़्यादा आकर म्यूनसिपाली अपना काम कार्रवाई कर रहे हैं। कदम मेरा नाम करीम सुरखी। और की कंप्लेंट ये थी कि 6 महीने पहले हमें कंप्लेंट किए थे कि इस वार्ड के अंदर कुत्तों का आतंक बहुत जोरों शोर से चला है, रात को कोई फिर सकता नहीं, तो कंप्लेंट देने का। हालांकि हमारे पास रिसूट कॉपी भी है, महानगर पालिका तब उस वक्त एक्शन नहीं ली। तो फिर आज कल आपके माध्यम से जो कंप्लेंट हुआ मीडिया के थ्रू, कल बच्चों को जो काटा गया तो मीडिया के थ्रू कंप्लेंट होने के बाद तब एक्शन में महानगर पालिका आई। आज वो आके इधर मोहल्ले में जहाँ जहाँ भी डॉग्स किए थे वो सबको पकड़ के लेके गई। आज एक से 10-12 पकड़े, सिर्फ बच्चों को टारगेट करें, वो 20-25 कुत्तों का ग्रुप है, वो बच्चों के साथ में बड़े रहने पर भी वो बच्चों को टारगेट बनाता है। मतलब वो दिन भर रहता था या रात में ही बच्चों को अकेला देखकर हमला करते थे? रात का तो माहौल अलग ही रहेगा, रात में तो बड़े लोग नहीं फिर सकते। दिन में बच्चे जो इकरा स्कूल है जो मेन रोड जाने आने की है वो स्कूल के बच्चों पर ही अटैक कर रहे हैं। मतलब ये जो खतरनाक कुत्ते थे ये मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक इनका आतंक जो है यहाँ पर मचा? ये इधर बड़ी कमान से लेके पार पटेल बगीचा बोल के इधर बगीचा है, जामिया मस्जिद हॉल है, इधर पूरा इसका आतंक मचा हुआ। तो कितने कुत्ते थे अंदाजा लगभग? कम से कम ये एरिया के अंदर काटेंगे 500 से 600 कुत्ते निकलेंगे, लेकिन वो ग्रुप रहेगा 25-30 का। अभी वो अटैक करेंगे तो 25-30 कुत्तों से अटैक करते हो। अभी जो कल यहाँ पर बच्चों को कुत्ते काटे हैं, इससे पहले भी क्या आपने महानगर पालिका को कंप्लेंट दिया था? हाँ, कंप्लेंट दिया था, हमारे पास रिसूट कॉपी है 6 महीने का, जो 6 महीने पहले हमें जो दिए थे कुत्तों का आतंक बहुत हुआ है, ऐसा कभी कभी एक एक बच्चे को काटते। अभी तो दिन दिवाली ही काट रहे हैं, रात में तो माहौल था, अभी तो दिन में ही कर रहे हैं। तो अभी यहाँ बच्चों पर हमला होने के बाद में महानगर पालिका अब होश में आई है? तब होश में आई है, जब वो भी जब हम जाके कंप्लेंट करने के बाद वो एक्शन में आए, तब तक तो ऐसा हो गया है बोल के मीडिया के थ्रू आपके थ्रू वो बच्चों को वीडियो करके बच्चों को दिखाने के बाद वो एक्शन में आए। मतलब कुत्ते जो है बच्चों को काटने के बाद बहुत ज़्यादा जख्मी होने के बाद तब एक्शन में आए। तो अभी क्या आप महानगर पालिका आयुक्त हो, जो संबंधपट अधिकारी, उनको क्या कहना चाहते हैं हमारा माध्यम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कंप्लेंट देने से पहले ही अगर महानगर पालिका जो वार्ड का जो ये है, हमारे वार्ड नंबर 24 की हालत तो बस से बदतर है, ना कोई यहाँ रोड का सुविधा है ना लाइट का सुविधा है। अब जब दिन में इतना आतंक है तो रात में क्या आतंक हो, कितना आतंक होगा देखिए। अभी जो कुत्ते हैं लगभग जितने भी थे सबको रिसीव किया गया और ये बचे हैं? अभी बहुत है, अभी कम से कम 400-500, अभी सिर्फ 10 से 12 का कुत्ते पकड़े हैं। मेरा नाम अनीस अब्दुल कादर मनी है। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम जरूरत बन चुका है।
अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959 और 8050828793। आज जो मीडिया आज जमा हुआ है या जो आज हम लोग रास्ते पर हैं, ये दो तीन दिन के वक्त में बहुत सारे जो कुत्ते हैं बच्चों को काट कर उनको बुरी तरह से काट कर उनको ज़ख्मी किया है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम बीजापुर सिटी में कम से कम 15-20 केसेस ऐसे आए हुए हैं। कॉरपोरेशन को हम लोगों ने हमारे सिटीज़न फोरम की तरफ से होने दो या नागरिक जो भी रेसिडेंशियल हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको कंप्लेंट पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं कि कुत्ते बहुत हो गए हैं, जगह जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप इनका इंतज़ाम करो, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसका रिजल्ट ये है कि कल मेरे नेबर्स के घर के पास मेरे घर के नेबर्स के पास दो बच्चों को एक कुत्ते ने काटा। पीछे हमारे इकरा स्कूल के रोड पर एक बच्चे को बुरी तरह से काटा, 6 साल का बच्चा है, विजुअल आपको देखने मिल जाएंगे उसके। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इतना वार्निंग, इतने मेमोरेंडम देने के बावजूद, इतना ये होने के बावजूद, क्या कॉरपोरेशन वाले इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई इसका शिकार हो जाए तो तब इनकी नींद खुलेगी? आज उन्होंने एक्शन लेके कल कंप्लेंट करने के बाद इन लोगों ने कुत्ते पकड़ने वाले उनकी एक टीम लाई है, वो भी दिन में लेके आए हैं, इसमें कोई हल निकलता नहीं है। कुत्ते बैठने का वक्त 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। इसी वक्त में पूरे बीजापुर के कुत्ते अलग अलग एरिया में 20-20-15 का ग्रुप बना के वो कुत्ते ये कर रहे हैं, और दिन में एक आध कुत्ता अगर उसमें से वायलेंट हो गया तो अभी थोड़ी देर पहले बांगे हॉस्पिटल दौलतकोटी के पास 3 बच्चों को कुत्ते ने काटा है, ऐसा न्यूज़ आया है। और हम लोग वहाँ पे स्पॉट विजिट भी किए, स्टेट मीडिया भी आया था हमारे साथ, तो वहाँ पे 2 बच्चों को कुत्तों ने काटा है और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे लेके गए हैं। यहाँ पे कल 3 बच्चों को वारदात हुआ है, जामिया मस्जिद के पास 1 बच्चों को काटा है। ये टोटल इंसिडेंट देखे तो कॉरपोरेशन इसके ऊपर अभी सीरियस नहीं है, इसने नहीं है ऐसा लगता है। अगर इसी तरह से चलता है तो अगर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अगर कोई प्रावधान है कि कॉरपोरेशन कमिश्नर या उसके रिलेटेड ऑफिसर पर अगर कोई एक्शन लिया जाए, हम लोग उसके ऊपर भी हम लोग ख्याल कर रहे हैं। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सिटीजन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। कल दोपहर 2 बजे हमारे बच्चों को स्ट्रीट डॉग का अटैक होता है और हमारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, जख्म होता है हमारे बच्चों को। फिर हम सिविल हॉस्पिटल को लेके जाते हैं, वहाँ पे लेके जाके एंटी रेबिस इंजेक्शन करके लाते हैं। हम एक 1 मंथ बिफोर भी हम एक कंप्लेंट दिए थे जो स्ट्रीट डॉग्स का जो 15-20 कुत्ते एक लड़की को अटैक किए थे, उसका CCTV फुटेज के लेके जाकर हम एक बाय राइटिंग के कंप्लेंट राइज किए थे बड़ी कमान कॉरपोरेशन ऑफिस 2 में, जो हमारे पास रिश्यूड कॉपी भी है। 1 मंथ हुआ तो भी उसके बाद हमको कोई आके उसका एक्शन भी नहीं लिए और वो कुत्तों को रेस्क्यू भी नहीं किए। ऐसे स्ट्रीट डॉग जो है स्कूल के बच्चे जो जाते रहते हैं वो आके बाइट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलना फिरना बहुत मुश्किल हुआ है। कितने दिन से चालू है सब? अभी तकरीबन ये 1.5-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये 15-20 कुत्ते झुंड में आके लड़ते हैं ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कमान एरिया में कम से कम 50 कुत्ते हैं जो काफ़ी परेशान कर रहे हैं। कितने लोगों को काटे सर? अभी आज कल 4 लोगों को काटा है, हमारे बच्चों को 2 बच्चों को काटा है, फिर आगे सामने एक घर में एक बच्चे को काटा है, उसके बाजू घर में एक बच्चे को काटा है, तकरीबन कल 5 बच्चों को काटा है, आज सुबह में 2 बच्चों को काटा है, फिर से आज सुबह में 2 बच्चों को बांगे हॉस्पिटल के पास 2 बच्चों को कुत्ता काटा है। हाँ सर जी। मेरा नाम समीम मुल्ला। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.